तो अब हम पढ़ेंगे एक्सरे डिफ्रेक्शन। तो जैसे कि आपको ये दिख रहे होंगे, ये आपके पास अटोमिक प्लेन्स है, ठीक है, अटोमिक प्लेन्स मतलब कि आपके पास ये एक लेयर ऑफ एटम्स पड़े हैं, फिर उसके नीचे ये दूसरी लेयर ऑफ एटम्स है, फिर दूसरी दूसरी लेयर ऑफ एटम्स, तो आपके पास ये अटोमिक प्लेन्स है। और ये आपके पास है नॉर्मल ऑन प्लेन, नॉर्मल ऑन प्लेन। तो हम जो भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट एक्सरे होगा, और आपके पास डिफ्रेक्टेड एक्सरे होगा, वो आपके पास नॉर्मल से नहीं हम इसको मेजर करेंगे, अटोमिक प्लेन से मेजर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज शो भी कर देता हूँ, यहाँ पर हम एंगल जो मेजर करेंगे अटोमिक प्लेन से करेंगे, थीटा बी। थीटा बी के बारे में हम आगे बात कर लेंगे, अभी आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है, ठीक है। मतलब कि आप देखिए, अगर मैं मान लूँ कि नॉर्मल ऑन प्लेन आपके पास अगर जेड डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास अटोमिक प्लेन किस में है? अटोमिक प्लेन आपके पास एक्स वाई प्लेन में होगा, अटोमिक प्लेन आपके पास एक्स वाई प्लेन में, दिस इज इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम इसके बारे में बात करते हैं, एक्सरे डिफ्रेक्शन। तो एक्सरे डिफ्रेक्शन, तो इसको मैं अलग अलग पढ़ता हूँ। एक्सरे आपके पास क्या है? एक्सरे आप मुझे कहेंगे सर ये तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। हाँ जी ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, ये आपको पता है, ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ लैम्डा, अबाउट लैम्डा 0.1 एंगस्ट्रम टू 10 एंगस्ट्रम, ठीक है। और यहां पर हमारे पास एक्सरे के लिए टिपिकली हम लेते हैं आपके पास 1 एंगस्ट्रम, ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रम लेंगे टिपिकली, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी के अंदर दूसरा वर्ड है डिफ्रेक्शन। नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारे पास वर्ड आया है वो हमारे पास है डिफ्रेक्शन, ठीक है। डिफ्रेक्शन आपने जैसे अपनी 11th 12th क्लासेस में पढ़ा होगा, डिफ्रेक्शन आपके पास क्या है? बेंडिंग ऑफ द वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल, ठीक है। अब ये बेंडिंग आपके पास कब होगी, इसकी कंडीशन क्या आपके पास? इसकी कंडीशन हम ये भी जानते हैं, इसकी कंडीशन आपके पास जब आपके पास जो ऑब्स्टेकल का साइज है, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल मस्ट बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ विच इज स्ट्राइकिंग ऑन दिस ऑब्स्टेकल, ठीक है। जो आपके पास वेव आ रही है और जो ऑब्स्टेकल का साइज है वो आपके पास क्या कंपेरेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास वेव कौन सी आ रही है? यहाँ पर आपके पास एक्सरे वेव्स आ रही है, ठीक है। तो वो आपके पास उनका वेवलेंथ कितनी है? उसकी वेवलेंथ आपके पास है 1 एंगस्ट्रम, ठीक है। और यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि आपके पास एटम का साइज 1 एंगस्ट्रम के ऑलमोस्ट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डिफ्रेक्शन पॉसिबल है एक्सरे में। हियर ऑब्स्टेकल इज ऑफ एटम साइज, एक्सरे डिफ्रेक्शन ऑन एटम कैन बी पॉसिबल। सो हियर ऑब्स्टेकल इज ऑफ एटम साइज विच इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, ओके। सो एक्सरे डिफ्रेक्शन ऑन एटम कैन बी पॉसिबल, ओके। तो अगर आपसे यूं पूछूं कैन विजिबल रे डिफ्रेक्ट ऑन एटम, नो दिस कैन बी पॉसिबल, क्योंकि आपके पास ये कंडीशन फॉलो होनी जरूरी है, ओके। अब आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने एक्सरे का मतलब भी अब हमने देख लिया कि एक्सरे क्या होती है, आपके पास डिफ्रेक्शन का मतलब भी देख लिया, और आपके पास एक्सरे डिफ्रेक्शन कर भी सकती है, ठीक है। अब ये एक्सआरडी डिफ्रेक्शन हमें प्रोवाइड करेगा, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? तो एक्सआरडी एक्सरे डिफ्रेक्शन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि आपके पास क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जैसे कि ये सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है, और ये आपके पास यहाँ पर डिटेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इंसिडेंट एक्सरे आ रही है, ये आपके पास डिफ्रेक्टेड एक्सरे हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास एंगल मेजर होगा, एंगल मेजर होगा वो आपके पास अटोमिक प्लेन से मेजर होगा, ठीक है। ये आपके पास थीटा भी, और यहाँ पर भी आपके पास ये थीटा भी, ठीक है। और ऐसी आपके पास ये सेकंड रे आ रही है, ठीक है, सोर्स से, और ये आपके पास डिफ्रेक्ट हो रही है, ठीक है। एक्स रे के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ डिनोट कर रहा हूँ आपको कि आपके पास जो ये थीटा भी है, थीटा भी है क्या आपके पास? देखिए थीटा भी हमारे पास है, थीटा भी इज एंगल मेजर फ्रॉम क्रिस्टल प्लेन, एंगल मेजर फ्रॉम क्रिस्टल प्लेन। तो ऑप्टिक्स में तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल से एंगल मेजर करते हैं, पर यहाँ पर हम ब्रैग्स लॉ जो आपके पास ब्रैग्स एंगल होता है वो आपके पास क्रिस्टल प्लेन से मेजर होता है, ठीक है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके पास जो सेकंड वेव है उसने कुछ ज्यादा ट्रेवल किया है 1 से, ठीक है। तो जो आपके पास ये एक्सरेज हैं ये आपके पास सेट ऑफ पैरेलल प्लेन से डिफ्रेक्ट होती हैं, तो आपके पास ये किस पोजीशन में होती है, ये इंटरफेरेंस की पोजीशन में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिटेक्टर लगा रखा है, डिटेक्टर आपके पास क्या करेगा? तो डिटेक्टर आपके पास सिर्फ वही वेव्स, तो डिटेक्टर आपके पास सिर्फ वही वेव्स आपके पास डिटेक्ट करेगा जो आपके पास क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, ना कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो आपके पास रेज जो आ रही है आपके पास, जो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी वही उनको ही डिटेक्ट करेगा डिटेक्टर, आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी ना। तो मतलब कि हम यूं भी कह सकते हैं डिटेक्टर आपके पास तब डिटेक्ट करता है एक्सरेज को जब आपके पास इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, ओके। अब आप यूं भी जानते हैं कि आपके पास कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, ठीक है। कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके पास क्या है? अब देखिए पाथ डिफरेंस यहां पर कितना रहता है आपके पास, एन लैम्डा रहता है, ठीक है। पाथ डिफरेंस इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज एन लैम्डा। अब देखिए अब ये जो दो वेव्स आ रही हैं हमारे पास, ठीक है, ये आपके पास इनमें पाथ डिफरेंस कितना हो गया, पहले ये भी हम चेक करेंगे। मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये ऐसे, और आपके पास देखिए अगर ये एंगल थीटा भी है तो ये एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, ओके। तो ये तो बात आप जानते हैं, ओके। अब देखिए ये आपके पास जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है ये आपके पास कितनी है, ये डी है, प्लेन्स के बीच में आपके पास डिस्टेंस कितनी है, डी है, ओके।
तो ये आपके पास थीटा भी है, तो यहां से मैं अगर आपको यूं पूछूं कि साइन थीटा बी कितना होगा, साइन थीटा बी कितना होगा आपके पास, देखिए ये आपके पास इतना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है ये सेकंड वेव ने, ठीक है, वन के कंपैरिजन, तो हमें ये निकाल लेना होगा, ठीक है। ये आपके पास कितना है, ये आपके पास देखिए इसको मैं निकालू, इसको नाम देता हूं मैं ओ बी, ठीक है, ओ बी आपके पास कितना होगा, देखिए साइन थीटा बी इज टू ओ बी बाय, आपके पास ये यहाँ पर 90 था, तो ये आपके पास डी है, ठीक है, तो ओ बी आपके पास डी साइन थीटा है, ठीक है, और ये भी आपके पास सेम ही होगा, ठीक है, एंगल सेम है आपके पास और डी भी सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास ओ बी डी साइन थीटा होगा, ओ डैश कर लीजिए, ओ डैश भी डी साइन थीटा होगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके पास ओ बी प्लस ओ बी डैश डी साइन थीटा बी प्लस डी साइन थीटा बी, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे लिखी है मैंने, ठीक है। अब जो पार्ट डिफरेंस था, जो डिफरेंस लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है, आपके पास जो डिफरेंस था इन दो वेव्स में वो तो इतना ही था ना, ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो 2d sin थीटा आपके पास, तो d sin थीटा प्लस d sin थीटा b इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है, तो यहां पर आपके पास इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2d sin थीटा b इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये आपके पास क्या है, ब्रैग्स लॉ, ओके, जहां पर थीटा b आपके पास क्या है, थीटा b आपके पास है ब्रैग्स एंगल, ओके, और n यहां पर क्या ऑर्डर है, बस यहां पर क्या बता रहा है, n आपके पास ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन को बता रहा है, तो n 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं, न्यूमेरिकल में आपको n 1 ही लेना है, ठीक है, जब तक कि आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर देता कि आपके पास n 2 है, 3 है, ठीक है, तब तक आपके पास n 1 ही लेना है आपको। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया कि ब्रैग्स लॉ आपके पास किस चीज का कॉन्सिक्वेंस है, जब तक आपके पास लेटेस्ट में पीरियोडिसिटी है, ठीक है, अगर आपके पास लेटेस्ट में पीरियोडिसिटी नहीं होती, ठीक है, तो आपके पास ब्रैग्स लॉ निकल के नहीं आता, ठीक है, तो आपके पास इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सो ब्रैग्स लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ लैटिस, मतलब कि आपके पास लैटिस अगर पीरियोडिक नेचर नहीं शो करता तो हम इसे ब्रैग लॉ का नाम नहीं दे सकते थे, ठीक है। अब बात ये आती है कि कभी कभार क्वेश्चन में आपके पास क्या होता है, क्या देता है, ये एंगल दे देता है, ये थीटा भी एंगल देता ही नहीं है, ठीक है, आपके पास नॉर्मल से एंगल दे देता है ये, ठीक है, अगर आपको नॉर्मल से एंगल दे रखा है तब आपके पास ब्रैग्स लॉ कैसा दिखेगा। अब देखिए ये आपके पास अल्फा है तो थीटा भी आपके पास कितना होगा, हाँ जी 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक है, और हमारे पास ब्रैग्स लॉ है क्या, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, अब थीटा भी तो हमें पता लग गया ना, थीटा भी आपके पास कितना है, थीटा भी आपके पास है 90 माइनस अल्फा, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 2d cos अल्फा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो ये आपके पास ऐसा भी ब्रैग्स लॉ दिख सकता है आपको जब आपके पास नॉर्मल से एंगल दिख रहा है, ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात, अगर मैं आपसे यूं पूछूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एक्सरे एंड डिफ्रेक्टेड एक्सरे, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ जी इंसिडेंट एक्सरे एंड डिफ्रेक्टेड एक्सरे, तो देखिए जो एंगल आपके पास इंसिडेंट एक्सरे और डिफ्रेक्टेड एक्सरे के बीच में होगा वो आपके पास होगा 2 थीटा बी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब देखिए जब भी हम एंगल मेजर करते हैं या तो आपके पास हेड हेड से मेजर होता है या फिर टेल टेल से, देखिए यहाँ पर ये हेड है इसका, ठीक है, ये हेड है इसका, ये टेल से मेजर हो रहा है, हेड टेल से मेजर नहीं होगा, आपके पास इसको आप एक्स्ट्रापोलेट कर दीजिए तब इसकी ये ऐसे हो जाएगा, तो ये टेल टेल यहाँ पर मैच कर गई है, ठीक है, तो ये भी थीटा भी आपके पास और ये भी थीटा भी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एक्सरे एंड डिफ्रेक्टेड एक्सरे इज 2 थीटा बी, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट एक्सरे एंड डिफ्रेक्टेड एक्सरे इज 2 थीटा बी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 थीटा बी आपके पास क्या है, 2 थीटा बी इज एंगल ऑफ डायफ्रेक्शन, ओके। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं हम, अब देखिए यहां पर एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाया गया, तो यहां पर देखिए आपको एक ग्राफ दिखाया गया इंटेंसिटी और आपके पास एंगल ऑफ डायफ्रेक्शन के बीच में, तो यहां पर आप देख रहे हैं 2203112, तो ये आपके पास क्या है, HKL प्लेन्स है आपके पास, ये HKL की वैल्यूज आपके पास ये H2K2 and L0, ठीक है, तो आपके पास HKL प्लेन्स है ये, तो जहां जहां आपको पीक देखने मिल रही है ये कॉरेस्पॉन्ड करता है ब्रैक्स मैक्सिमा को, मतलब कि यहां पर आपके पास ब्रैक्स कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पर अब क्वेश्चन ये है मेरा कि आपके पास डिफरेंट एंगल्स पर क्यों आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, ठीक है, ऐसा क्यों है, अब देखिए समझते हैं इसे। अब देखिए ब्रैक्स लॉ तो जानते हैं 2d sin थीटा b इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है, 2d sin थीटा b इज इक्वल टू n लैम्डा आपके पास, अब ये चीज तो आपके पास फिक्स है ना, ठीक है, ये चीज तो आपके पास फिक्स है, ठीक है, अब ये चीज अगर आपके पास फिक्स है और आपके पास जो वेवलेंथ आती है, ठीक है, फॉर ए फिक्स, अब ये चीज तो आपके पास फिक्स है फॉर, तो मैं लिख देता हूं फॉर अ फिक्स वेवलेंथ, फॉर अ फिक्स वेवलेंथ का मतलब आपके पास मोनो, आपके पास एक्सरे मोनोक्रोमेटिक एक्सरे ना, मतलब कि आपके पास मोनोक्रोमेटिक एक्सरे आ रही है, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे आपके पास। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि आपके पास ये आपके पास एटॉमिक प्लेन्स हैं, ठीक है, यहां से आपके पास इंसिडेंट आ रही है या डिफ्रेक्ट हो गई है, ठीक है, ये आपके पास सोर्स है, ठीक है, ये आपके पास डिटेक्टर है, ठीक है, अब ये एंगल आपके पास थीटा भी बन रहा है। अब मैं अगर आपसे यूं पूछूं कि ये सोर्स और ये डिटेक्टर है, ये आपके पास मूव कर रहे हैं, ये आपके पास इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, डिटेक्टर आपके पास इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है, अब बताइए जब आपके पास ये सोर्स मूव करेगा इस डायरेक्शन में तो थीटा भी बढ़ेगा नहीं, अगर आपके पास थीटा भी बढ़ेगा तो साइन थीटा बी की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब साइन थीटा बी की रेंज आपके पास कितनी होती है, -1 to +1, तो साइन थीटा बी आपके पास इंक्रीज करने लगेगा,
थीटा बी इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे हम रोटेशन करेंगे सोर्स की, तो आपके पास साइन थीटा बी भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। पर आपके पास ये वैल्यू तो फिक्स है, तो मतलब कि ये भी वैल्यू फिक्स रहेगी। अब इस वैल्यू फिक्स करने के लिए आपके पास क्या होगा, ये जो डी है, डी को मैं थोड़ा सा और खोल के लेता हूँ, डी एच के एल, ठीक है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो डी एच के एल आपके पास क्या होगा, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ताकि आपके पास ये चीज फिक्स रहे, ठीक है, ये चीज फिक्स रहे आपके पास, तो डी एच के एल डिक्रीज होने लग जाएगा, मतलब कि आपके पास ए बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास इंक्रीज करनी चाहिए अगर आपके पास डी एच के एल डिक्रीज कर रहा है तो, ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ थीटा बी। ओके, अब देखिए ये आपके पास जो डिफरेंट पीक्स दिख रही है, अब हम इनके बारे में बात कर सकते हैं। अब इस पोजीशन में हम हैं, अब देखिए 220 आपके पास, देखिए 220 आप यहां पर शूट करेंगे 24 + 4, तो आपके पास ये कितना बनेगा, 8 बन गया, तो आपके पास 8 बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास 3 ट्रिपल बनकर कितना बनेगा, 9 + 1 + 1, तो आपके पास 11 बन गया, ये 11 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ट्रिपल टू का आपके पास कितना बनेगा, 4 + 4 + 4, ये आपके पास 12 बन गया, ये आपके पास 12 बनेगा। नेक्स्ट आपके पास 400 का आपके पास कितना बनेगा, आपके पास ये 16 बनेगा, ठीक है, चलो इतना सफिशियंट एक बार। ओके, अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। हमने यहाँ पर कहा था जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, तो पहले 8 थी, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आपके पास 8 था, फिर 11 था, फिर 12 था, फिर 16 था, तो ऐसे आपको यहाँ पर डिफरेंट एंगल पर आपको क्या है, मैक्सिमा देखने को मिल रहा है। ओके, तो यह बात आप समझ सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं, क्रिस्टल अंडर स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो अभी तो जो भी आपने ग्राफ देखा था वो आपके पास एक पर्टिकुलर क्रिस्टल का था जिसमें आपके पास ब्रैग्स कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, अगर आपके पास वो क्रिस्टल को कंप्रेस किया जाता है यूनिफॉर्मली, ठीक है, इफ क्रिस्टल इज कंप्रेस्ड यूनिफॉर्मली देन XRD पैटर्न वुड बी, क्या होगा XRD पैटर्न के साथ, जो आपने XRD पैटर्न देखा था वो शिफ्ट हो जाएगा हायर डिफ्रेक्शन एंगल पर, वुड बी शिफ्टेड टू हायर डिफ्रेक्शन एंगल, ठीक है, मतलब कि जो आपको ग्राफ देखने को मिला था, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ये जो भी था, ठीक है, ये आपके पास हायर डिफ्रेक्शन एंगल पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात, अगर हमने क्रिस्टल को स्ट्रेच कर दिया तो, इफ क्रिस्टल इज स्ट्रेस्ड होगा तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, जो आपके पास XRD पैटर्न है ये आपके पास क्या हो जाएगा, शिफ्टेड टू लोअर डिफ्रेक्शन एंगल, ठीक है, तो ये आपके पास लोअर डिफ्रेक्शन इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, देखिए जो ब्रैग्स लॉ होगा वो आपके पास 2D साइन थीटा बी इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये यूज नहीं करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास देखिए, यहाँ पर जब आपने किसी चीज को कंप्रेस कर दिया है या फिर स्ट्रेच कर दिया है, ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए डेरिवेशन पर नहीं जाऊंगा आपके पास में, यहाँ पर ये आपके पास फॉर्मुला यूज होगा, चेंज इन आपके पास इंटरप्लेन स्पेसिंग बाय डी एंड कॉस थीटा बी ओवर साइन थीटा बी एंड चेंज इन एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो आपके पास ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग वाला डी है, ठीक है, तो डेल डी इज इक्वल टू -d cot थीटा बी एंड चेंज इन डिफ्रेक्शन एंगल। तो अब आपके पास जो ये फॉर्मुला निकल कर आया है, ये फॉर्मुला आपको बताएगा कि आपके पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग में कितना चेंज आया है। टू नो द चेंज इन इंटरप्लेनर स्पेसिंग वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस। ओके,